नमस्ते विजय जी। नमस्ते सुरभि जी, आइए ना। सॉरी सॉरी, ये साड़ी भी ना। मम्मी, अरे रितु बेटा कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक। अरे बस बस, कैसे हो बेटा? अरे रितु, तेरा चावल लेके आना। हाँ लाती हूँ। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, मुझे देखकर आज बहुत खुशी हुई। आज मुझे मौत भी आ जाए ना तो कोई गम नहीं। मम्मी कितनी बार कहा है आपसे, ये मरने वरने की बातें मत किया करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटा, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुझे संजय जैसे इतना अच्छा पति और पिता जैसे बड़े भाई का प्यार इसी घर में मिल रहा है, और क्या चाहिए। मैं तो सोच रही हूँ मैं बरेली चली जाऊँ, वैसे भी अब अकेले मन तो लगता नहीं है और बेवजह रेंट देना पड़ता है घर का, तो बरेली जाके अपने फार्म हाउस का काम देख लूंगी। कैसी बातें कर रही हो मम्मी, ये भी तो आप ही का घर है ना। रितु तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुरभि जी मैंने तो पहले भी आपसे कहा था, अब यही शिफ्ट हो जाइए। क्यों रितु? अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, मेरी बेटी खुश रहे बस, और मुझे क्या चाहिए। मम्मी प्लीज चुप हो जाओ। कुछ नहीं बेटा, आज तेरे पापा होते ना तो तुझे देख के बहुत खुश होते। मैं मानती हूँ मम्मी कि पापा के जाने के बाद से आप बहुत अकेलापन फील करती हैं, अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ घर शिफ्ट हो जाऊँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपने घर में रह, मुझे तो बस तेरे पापा की कभी कभी बहुत याद आती है। सुरभि जी, सुरभि जी ये आपका अपना घर है, आप जब तक चाहें यहां पर रह सकती हैं, और आप खुद को अकेला क्यों महसूस करती हैं? हम सब हैं ना। अरे मैं भी क्या खाने के टाइम पे रोने धोने की बातें लेके बैठ गई। बैठिए ना विजय जी। अच्छा बेटा, खाना कैसा बनाया इसने? अरे मम्मी जी, खाना बहुत अच्छा बना है, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ खाता जाऊं, लेकिन सोच रहा हूँ कहीं पेट ना खराब हो जाए। सुरभि जी, आज आप रितु के पापा को ज्यादा ही याद कर रही थी, तो सोचा थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लेता हूँ, आपका मन हल्का हो जाएगा। कुछ बताइए अपने बारे में। रितु के पापा को 17 साल हो गए हुए, लव मैरिज की थी हमने, घर वाले अगेंस्ट थे, फिर भी भागकर शादी की थी, बहुत खुश थे हम लोग। आपको पता है मैं घर से दूर रहती थी, फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे वो, कभी भी उदास नहीं होने दिया उन्होंने मुझे। मुझे ना उनसे कभी भी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, पता है क्यों? क्योंकि वो बिन मांगे ही सब दे देते थे। मुझे लगता था मैं दुनिया की सबसे लकी औरत हूं, फिर अचानक से उनकी एक्सीडेंट की खबर आई। लेकिन जाते जाते भी ना वो मुझे एक खूबसूरत तोहफा दे गए, रितु। कभी कभी उनकी बहुत याद आती है, बट रितु को देख के सब भूल जाती हूँ। तो आपको कभी किसी और की जरूरत महसूस नहीं हुई? आई मीन, आपने दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? सोचा था, लेकिन सही बताऊं मैं रितु के प्यार को कभी बांटना ही नहीं चाहती थी, इसलिए कभी अपनी जरूरतों और अरमानों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। खैर मेरी छोड़िए, अपनी बताइए ना, आपने भी तो कभी शादी नहीं की। सेम हेयर, हमारी अरेंज मैरिज थी, लेकिन मेरे और सुधा के बीच ऐसी बॉन्डिंग थी जैसे हम दोनों एक दूसरे को कई जन्मों से जानते हो।
उसे पाने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैं अपने हर दुख हर दर्द को भूल जाया करता था। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। वो मां बनना चाहती थी लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर हमारा अपना बच्चा हो गया तो मेरा और सुधा का प्यार संजय के लिए बढ़ जाएगा, इसलिए मैं अपना बच्चा नहीं चाहता था और उसने इस बात में मेरा साथ दिया। लाखों में एक थी वो। आज भी ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने ना आए। आप ही बताइए, इतना प्यार करने वाली, इतना त्याग करने वाली बीवी की जगह कोई और ले सकता है क्या? वाकई में आपकी बीवी तो मिसाल थी, लेकिन कोई तो होगा ना जो आपकी भावनाओं को समझ सके, आपको समझ सके। और अब तो संजय की भी शादी हो गई है। आई थिंक यू शुड मूव ऑन। हाँ, पर अब कोई ऐसा कहाँ मिलेगा? आप खुद को ही देख लीजिए ना, आपने रितु के लिए क्या कुछ नहीं किया और अब तो वो सेटल भी हो गई है, तब भी आप अपने बारे में नहीं सोच रही है। आई थिंक आप सही कह रहे हैं, हम दोनों की कहानी एक जैसी ही है। हम दोनों ही मूव ऑन नहीं करना चाहते। शायद हमें आदत हो गई है ऐसे तन्हा रहने की। शादी के बाद तुम और सेक्सी लगने लगी हो। बस बस, अब और फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। आई लव यू सो मच संजय, आई लव यू। अच्छा विजय जी, बहुत रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। गुड नाइट। आपने दोबारा शादी करने के बारे में नहीं सोचा? आई थिंक यू शुड मूव ऑन। आज आप रितु के पापा को ज्यादा ही याद कर रही थी तो सोचा थोड़ा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लेता हूं। मुझे भी प्यास लगी है। Thank you.
ये ठीक नहीं है, गलत है ये सब कुछ। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, हम दोनों के जज्बात एक दूसरे के लिए एक जैसे, फिर इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत है ये।